जैसे मान लो एक बॉक्स है या ऐसे की एक गाड़ी है, और इसमें जो है सो एक बॉक्स को हम लोग लटका दिए हैं, और ये गाड़ी एक्सेलरेशन से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो हम लोग इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हमारे गाड़ी के अंदर दो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी जो अर्थ के ग्रेविटी के कारण लग रहा है सो होगा ही, और चूंकि हमारा फ्रेम एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है इसमें एक एक्सेलरेशन पीछे की तरफ ए होगा। ठीक है, ये समझ में आया? तो हमारे फ्रेम में इक्विवेलेंट ग्रेविटी या इक्विवेलेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस ए और इस जी का रिजल्टेंट होगा। इस ए और जी का रिजल्टेंट क्या आएगा? इधर की तरफ कितना? रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये एंगल कितना होगा? थीटा। लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू ओरिजेंटल कंपोनेंट बाई वर्टिकल कंपोनेंट, तो टेन थीटा क्या वैल्यू? ए बाई जी आएगा। ठीक है, वंस तुम ये जान गए तो अब जो है जो गाड़ी के एक्सेलरेशन के टर्म्स में मत सोचो, तुम ग्रेविटी के टर्म्स में सोचो कि किसी बॉल को अगर हम लोग एक धागा से सस्पेंड कर दिए हैं तो धागा का डायरेक्शन किधर की तरफ होता है? जिधर की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? और धागा में टेंशन कितना होता है? एम इंटू जी। पर हमारे फ्रेम में अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है ही नहीं, हमारे फ्रेम में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस धागा में जो टेंशन होगा सो एम इंटू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। ये समझ में आया? और धागा झुका किधर की तरफ होगा? जिधर की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन हम लोग को पता है, वो इधर की तरफ है, तो ये इधर की तरफ झुक जाएगा, जिसमें ये एंगल थीटा इक्वल होगा टैन इनवर्स ए बाई जी के, और इस धागा में जो टेंशन है ये इक्वल होगा एम इंटू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। ठीक है, तो धागा का टेंशन पता चल गया और इसका डायरेक्शन पता चल गया। बात समझ में आया? पर जब इस तरह का क्वेश्चन तुम बना रहे हो तो तुमको क्वेश्चन को देखने का तरीका चेंज करना होता है। ये तो खैर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर जो आगे क्वेश्चन सब आएगा उसमें तुमको देखने का तरीका बदलना होता है। तुम ग्रेविटी के टर्म्स में सोचते हो कि किसी भी सिस्टम को ग्रेविटी में रखते हैं वहां पे एक्चुअल में क्या होता है, और तब उसके बाद तुम उसका जवाब प्रॉपरली दे पाओगे। अदरवाइज जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन सोल्व करेंगे। ठीक है, वो हमेशा काम करेगा, वो जो है सर्वकालिक सार्वभौमिक है। सर्वकालिक सार्वभौमिक मतलब समझते हो, हर समय हर जगह लगेगा। ठीक है, उसको तुम लगा के हर क्वेश्चन को हर जगह बना सकते हो, लेकिन ये सब टेक्निक अगर तुम समझ रहे हो तो सर्टेन क्वेश्चन तुमसे जल्दी बन जाता है। ठीक है, और तब तुम्हारे पास थोड़ा सा समय बच जाता है अच्छे क्वेश्चन को बनाने के लिए एग्जाम में। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है वो और जल्दी बनता है, जो अच्छा क्वेश्चन है वो तो बनाना ही पड़ेगा, उसे थोड़ी भाग सकते हो। उतना तुमको आना चाहिए यार, तुम अगर चाह रहे हो कि तुम को जो है तुम्हारा पेपर में फोटो आए, तुम्हारा इंटरव्यू लिया जाए, ठीक है, तो उतना करना पड़ेगा। सपोज करो कोई एक इंक्लाइन है जिसका इंक्लिनेशन थीटा, इस पे हम लोग एक ब्लॉक रख दिया है और इस सिस्टम को हम लोग आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हैं। बताना है इसको किस एक्सेलरेशन से हम लोग लेकर जाएंगे कि ये ब्लॉक इस पे स्लाइड नहीं करेगा। क्वेश्चन समझ में आया? इसको इस पे रख दिया है और इसको अब एक्सेलरेट कर रहे हैं। अगर इसको तुम रोक के रखोगे तो नीचे भाग जाएगा, और इसको बहुत तेजी से लेकर जाओगे तो पीछे भाग जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ऊपर भागेगा बहुत तेजी से अगर लेकर जाओगे तो। एक पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन होगा जिसके लिए ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा, रुका हुआ रहेगा, इस पर स्लाइड नहीं करेगा, वहीं का वहीं इसके रिस्पेक्ट में वहीं का वहीं रहेगा। वो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा समझने का प्रयास करोगे? अब से कुछ लोग बनाए हो और एम एफ फोर्स पीछे की तरफ दे दियो, फ्री बॉडी डायग्राम बना दियो, उसको हम इक्विवेलेंट ग्रेविटी से बनाना नहीं कहेंगे, उसको हम जीरो फोर्स से बनाना कहेंगे। ठीक है,
इक्विवेलेंट ग्रेविटी का पॉइंट ये है, बात को समझने का कोशिश करोगे, पॉइंट ये है कि तुम फ्री बॉडी डायग्राम से फ्री हो जाते हो। अगर तुमको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना ही पड़ रहा है तो वो एक्चुअल में स्यूडो फोर्स है, जो हम थोड़ा देर बाद देखेंगे कि तुम स्यूडो फोर्स लगा दे रहे हो और इसके बाद जो स्टैटिक्स में काम करते थे वो काम करके रिलेशनशिप लिख ले रहे हो, ठीक है। यहां पे वो काम हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग चीजों को ग्रेविटी के टर्म्स में देखेंगे और ग्रेविटी के केस में हम लोग को स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है, उस रिजल्ट को यूज करके हम लोग आंसर पे पहुंचेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो हम अलग से फ्री बॉडी डायग्राम यूज नहीं करेंगे, इवन दो तुम सीरो फोर से बनाओगे और तब रिजल्ट सेम आएगा क्योंकि वही होना ही है, जो होना है वो होना है, तुम ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, तुम बिना सीरो फोर्स के बनाओ, तुम डायरेक्ट एफबीडी बना के बनाओ, सब केस में सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन तुम अगर ग्रेविटी के टर्म्स में देखना सीख जाते हो तो तुमको क्वेश्चन को देखने का एक अलग पर्सपेक्टिव मिल जाता है, जिसमें तुम इक्वेशन यूज नहीं कर रहे होते हो, तुम डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे होते हो, ठीक है। तो यहां पे एक बात समझो, किसी भी चीज को जैसे मान लो ग्रेविटी, जो स्टैंडर्ड ग्रेविटी है, उस स्टैंडर्ड ग्रेविटी में कोई ब्लॉक कब मूव नहीं करेगा, जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। फोर्स के टर्म में बात नहीं करेंगे, फोर्स के टर्म में बात कर रही है तो फिर अब तुम फ्री बॉडी डायग्राम का बात कर रहे हो, फोर्स के टर्म में हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अगर ग्रेविटी लग रहा है, क्योंकि हम इक्विवेलेंट ग्रेविटी का बात कर रहे हैं, यानी हमारे सिस्टम में ग्रेविटी के अलावा और कोई बाहर से फोर्स नहीं पड़ रहा है, ठीक है, एकमात्र फोर्स ग्रेविटी है। हो बस ये रहा है कि ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, पर फोर्स सिर्फ ग्रेविटी है। तो स्टैंडर्ड ग्रेविटी में कोई एक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है सरफेस के बारे में, तुम क्या कह सकते हो, सरफेस हॉरिजॉन्टल होगा तभी मूव नहीं कर रहा। लेकिन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के टर्म्स में हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग ग्रेविटी या ग्रेविटी के डायरेक्शन और सरफेस के डायरेक्शन में बात करेंगे। तो अब ग्रेविटी के डायरेक्शन और सरफेस के डायरेक्शन में क्या रिलेशन है, ग्रेविटी और सरफेस जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। कारण बहुत सिंपल है कि ग्रेविटी अगर इधर लग रहा है तो इस फोर्स का न तो इधर की तरफ कोई कंपोनेंट है न इधर की तरफ कंपोनेंट है, सिर्फ नीचे की तरफ कंपोनेंट है जिसको ये सरफेस बैलेंस कर लेता। अगर ग्रेविटी इधर की तरफ लगता तो जो है इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आता, जो कंपोनेंट इसको खींच के इधर ले जाएगा, और ग्रेविटी अगर इधर की तरफ लगेगा तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा जो इसको खींच के इधर की तरफ ले जाएगा। अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो ग्रेविटी डायरेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा होगा, सो दैट कि सरफेस के अलोंग ग्रेविटी का कोई कंपोनेंट नहीं है। जो मुझे समझ में आया, तो यहां पे इसमें से इसके फ्रेम में अगर हम देख रहे हैं ये मूव नहीं कर रहा है तो ग्रेविटी किधर की तरफ होगा, सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर, ठीक है। पर हमारे फ्रेम में दो ठो ग्रेविटी है, एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी है, दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए है। अगर हम ए एक्सेलरेशन से ले जा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए होगा। ये चूंकि सरफेस के परपेंडिकुलर है तो हम लोग ज्योमेट्री से जानते हैं ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा, और तब हम लोग कह सकते हैं कि ए बाई जी टेन थीटा के बराबर होगा। तो टेन थीटा ए बाई जी के इक्वल हो जाएगा, थीटा टेन इनवर्स ए बाई जी के बराबर होगा। समझ में आया, सिंपल सा आइडिया है। ये हमको बताओ कि नॉर्मल फोर्स इस केस में कितना होगा, एम इंटू जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि इस केस में जब सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है सरफेस पे रखा हुआ है तो नॉर्मल एम इंटू जी के बराबर होता है, वहां भी वही होना चाहिए, पर हमारे फ्रेम में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और तब नॉर्मल जो है सो एम इंटू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, पर ए का वैल्यू जी टेन थीटा है तो ये जी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और तब जो है उसको हम लोग एम जी सेक थीटा लिख सकते हैं क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। पसंद में आया? तो यहां पे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम से नहीं पढ़ रहे हैं। तुम फ्री बॉडी डायग्राम से पढ़े तो तुम कहने के लिए कह लो कि हम इक्विवेलेंट ग्रेविटी लगाए हैं, पर हम उसको कहेंगे कि तुम स्यूडो फोर्स लगाए। दोनों एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, स्यूडो फोर्स और इक्विवेलेंट ग्रेविटी सेम चीज है, पर इक्विवेलेंट ग्रेविटी का हम जिस सेंस में यूज कर रहे हैं वो है कि जो रिजल्ट हम लोग ग्रेविटी में जान रहे हैं उस स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज करके तुम जब क्वेश्चन बना रहे हो तो इक्विवेलेंट ग्रेविटी से क्वेश्चन बनाए।
और तुम पूरा का पूरा इक्वेशन क्यों फिर से बना रहे हो, तो तुम इक्विवेलेंट ग्रेविटी यूज नहीं कर रहे हो, तुम स्यूडो फोर्स यूज कर रहे हो। ठीक है, आइडिया समझ में आया। सपोज करो कोई एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक इंक्लाइन है जिसका इंक्लिनेशन थीटा है और थीटा 45 डिग्री से छोटा है। ठीक है, अब जो है सो इसमें एक ब्लॉक है, इसको एक धागा से हम लोग बांध दिए, तो यहां पे कुछ नॉर्मल होगा, धागा में टेंशन होगा, नॉर्मल और टेंशन में से कौन बड़ा होगा? अगर ये एंगल 45 डिग्री से छोटा है तो नॉर्मल बड़ा होगा या टेंशन बड़ा होगा? नॉर्मल बड़ा होगा। ठीक है, नॉर्मल बड़ा होगा, सब लोग कन्विंस हो ना, क्यों बोल दिया, तुम लोग सोच रहे अच्छा छोड़ बोल दिया तो बोल दिया, हम कहां जाए बीच में। ठीक है, अगर दिक्कत हो रहा तो फिर वही डायग्राम बना, नॉर्मल निकालो टेंशन निकालो, देख लो थीटा 45 डिग्री से छोटा है तो दोनों में से कौन बड़ा होगा, सब काम हम थोड़ी करेंगे। ठीक है, तो इस केस में नॉर्मल बड़ा होगा, टेंशन छोटा होगा। अब जो है सो इस बॉक्स को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हैं सच दैट कि टेंशन और नॉर्मल दोनों इक्वल, तो तुमको बताना है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा और किधर की तरफ एक्सेलरेट करेंगे, इस डायरेक्शन में राइट हैंड तरफ या लेफ्ट हैंड तरफ। ठीक है, इसको राइट डायरेक्शन में राइट ले जाएंगे या लेफ्ट ले जाएंगे सो बताना है, और किस एक्सेलरेशन से लेकर जाएंगे कि टेंशन और नॉर्मल दोनों इक्वल होगा। और इस पे हम लोग इस ब्लॉक को रखे हैं धागा से बांधकर, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा है, तो टेंशन और नॉर्मल को ग्रेविटी के टर्म्स में देखोगे तो क्या मिलेगा तुमको कि इस ग्रेविटी का जो इसके अलोंग कंपोनेंट है उसको बैलेंस करने के लिए वहां पे टेंशन है, और ग्रेविटी का जो इसके अलोंग कंपोनेंट है उसको नॉर्मल बैलेंस करता है। अब हम चाह रहे हैं कि टेंशन और नॉर्मल दोनों इक्वल रहे, तो ये ग्रेविटी किस डायरेक्शन में होना चाहिए, सरफेस से 45 डिग्री एंगल पे, तभी जो है दोनों कंपोनेंट इक्वल होगा। नहीं, अगर ग्रेविटी इधर से छोटा एंगल बना रहा होगा तो ये बड़ा हो जाएगा ये छोटा होगा, और इधर से छोटा एंगल बनाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा ये छोटा हो जाएगा। तो अगर टेंशन और नॉर्मल दोनों इक्वल हो रहा है तो ग्रेविटी को सरफेस से 45 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग को यह पता चल गया कि ग्रेविटी सरफेस से 45 डिग्री एंगल पे होगा, यानी कुछ इधर की तरफ होगा, ये वाला एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तुम वर्टिकल रखते हो तो क्या होगा, ये एंगल चूंकि 45 से छोटा है, थीटा 45 से छोटा रखे हैं, वर्टिकल रखेंगे तो एंगल 45 से बड़ा हो जाएगा, तो एंगल अगर 45 डिग्री करना है तो इसको थोड़ा सा इधर की तरफ झुकाना होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन? अब यहां पे जो है सो एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी होगा, दूसरा इसको अगर हम इधर की तरफ एक्सेलरेट करेंगे तो इसमें पीछे की तरफ एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए आएगा। ठीक है, तो इसे तो ये पता चल गया कि इसको इधर की तरफ होना चाहिए, तभी यहां से ये एंगल 45 डिग्री बनेगा। अब ये एंगल अगर 45 डिग्री है, ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल जो है सो 90 माइनस थीटा होगा, और उसमें से तुम 45 डिग्री घटा दोगे, तो ये वाला जो एंगल है सो 45 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा। ये समझ में आया, तो ये एंगल 45 डिग्री माइनस थीटा है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा a बाई जी हॉरिजॉन्टल फोर्स बाई वर्टिकल फोर्स, इस एंगल का tan आएगा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, और तब a का वैल्यू g tan, यहां पे 45 डिग्री माइनस थीटा लिखो, या तुम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, क्योंकि फाइनली जो ऑप्शन में रहेगा उसमें तुमको टिक लगाना है, तो ऑप्शन में अगर ये है तो उसमें टिक लगा देंगे, ये नहीं है तो सेम चीज को हम लोग लिख सकते हैं जी इंटू वन माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है बाहर जाना नाले में डूब जाना। ठीक है, अब जो है वो समय आ गया है कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अगर नहीं आ रहा हो तो तुमको नाली में डूब जाना चाहिए। ठीक है, तो जो है तो इसके जगह हम लोग ये लिख सकते हैं
या इसके जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं जी इंटू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए प्लेलिस्ट और वीडियो पर क्लिक करें। नए अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।